हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। मैं हूँ गुरप्रीत कौर। आपको यहाँ पर गाइडली पर जनरल स्टडीज़ को पूरा करा रही हूँ। आपका कोर्स जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए या उन एग्जामिनेशंस के लिए जहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अभी तक हमने अपना हिस्ट्री पढ़ लिया है इंडिया का। जैसा जैसा हमने एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया था मेडिवल आते आते और जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई है उसके बाद का भारत आज हम पढ़ेंगे। भारत की स्थिति आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद क्या रही, कैसे कैसे तक आगे तक जो टाइमलाइन रही है उसको हम ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपके लिए गाइडली पर एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्री और मेंस दोनों की कंप्लीट तैयारी के लिए तैयार किया गया है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है 9003786960। यहाँ पर आपको लाइव बैचेस मिल रहे हैं, क्विजेज मिलते हैं और डेली क्लासेस होती हैं, डेली वीडियो लेक्चर्स होते हैं और वैलिडिटी इस कोर्स की लाइफ टाइम के लिए है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा और एक बार मन में सोचिएगा कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, इसको आपके आने वाले जो भाई बहन हैं वो भी इससे स्टडी कर सकते हैं। इस कोर्स को सिर्फ आप 1499 रुपए में ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो एक इंडिविजुअल कोर्स ही ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स का कोर्स ले सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं। ऐसे ही करके आपके सभी सब्जेक्ट्स जो कि आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में आते हैं, जो IBPS कंडक्ट कराते हैं या भी कोई भी इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराते हैं, आपके बैंकिंग के प्री और मेंस सभी की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखा जा रहा है यहाँ पर एक नंबर, ये नंबर गाइडली के द्वारा कैरियर काउंसलिंग के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी कॉल कर सकते हैं आप 24 घंटों में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इस नंबर पर कॉल करके आप अपने कैरियर के लिए कैसे तैयारी करनी है, किसी एग्ज़ाम की क्या वहाँ पर सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे कोई एग्ज़ाम में कितने पैटर्न में एग्ज़ाम होता है या कैसे पैटर्न में पेपर आता है, या फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपनी कैरियर से रिलेटेड अपनी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये टोल फ्री नंबर है, आप इसको 24 आवर्स में कभी भी डायल कर सकते हैं। अगर ये कॉल नहीं उठता है तो यहाँ पर आप लोग कॉल बैक फॉर्म भी फिल कर सकते हैं जिसके द्वारा इस लिंक पर आपको कभी भी वहाँ से बैक कॉल आ सकता है। तो मैं आपको ज़रूर राय दूंगी कि जब भी आपको कोई भी डाउट हो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यहाँ पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमारे इस पेपर में ब्लैक पेन लेकर जाना है या बॉल और ब्लू पेन लेकर जाना है, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी कंफर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस टॉपिक। इस टॉपिक के तहत हम लोग उस भारत को जानेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आता है और हम लोग लैग कर जाते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है और ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, 8th क्लास की एक NCERT की बुक है उसमें बहुत छोटा पार्ट यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि आपके सारी चीज़ों को कवर करा सकूँ। यहाँ पर मैंने पूरी टाइमलाइन जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। बात करते हैं जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब भारत आज़ाद हुआ तो जैसा भारत आज हमें देखने को मिलता है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा हमने सोचा था कि
क्या होगा, आज़ादी मिल जाएगी तो क्या आगे का भारत हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इकोनॉमिकली हम भारत को देखें तो बहुत ही बुरी कंडीशन यहाँ पर आपको भारत की देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भारत नया नया देश बना था, सारी ही संपत्ति लूटी जा चुकी थी कई कई इन्वेजन के द्वारा, जो कि अलग अलग दशकों में अलग अलग सेंचुरीज में किए गए थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे जो भारत की कंडीशन बनी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। जिस टाइम पर भारत को आज़ाद किया गया, छोड़ा गया, तो समझ लीजिए कि वो आज़ादी सिर्फ हमारे भावनाओं की आज़ादी थी। हमें ये आज़ादी थी कि हम आज़ाद भारत हैं, हमें जो आर्थिक व्यवस्था की जो छूट मिली थी वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ही गायब थी। भारत की आज़ादी के समय, जैसा कि सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हैं, कि बॉर्डर लाइन ड्रॉ की गई थी, बॉर्डर लाइन ड्रॉ की गई थी, भारत और पाकिस्तान दो देशों में ये देश बट गया था। किस लाइन के द्वारा देश को बांटा गया था, तो सर रेडक्लिफ ने इस भारत के नक्शे को एक दो देशों में बांट दिया था। तो सर रेडक्लिफ की यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये है सर रेडक्लिफ, ये है मोहम्मद अली जिन्ना जी और ये है जवाहरलाल नेहरू जी। एक बहुत ही फेमस तस्वीर उस टाइम के अखबारों की मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ नेहरू जी की इमेज बनाई गई है और यहाँ पर जिन्ना की, जो कि आरी से ये एक ब्लॉक को काट रहे हैं जिस पर लिखा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। यहाँ पर पीछे खड़े हुए कुछ लोग जो कि इसका नज़ारा देख रहे हैं, जैसे कि उनमें से महात्मा गांधी जी का यहाँ पर पोर्ट्रेट बनाया गया है। तो ये बहुत ही फेमस है उस टाइम का न्यूज़पेपर का एक इमेज। भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद जो कंडीशन थी, लोगों को ये मानसिक संतुलन बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा कि अब हमें वो क्षेत्र में नहीं जाना है, अब हमें इस क्षेत्र में रहना है। कई लोग ऐसे थे कि उनका काम करने के लिए उन्हें पाकिस्तान वाले एरिया में जाना होता था, कई लोग ऐसे थे कि उन्हें भारत आना होता था। ये हम तब कह रहे हैं जब हमारा आज़ाद भारत हो गया है, लेकिन लोगों के जो कामकाज हैं, जो घर हैं, वो एक दूसरे के देशों में, इतना ज़्यादा पलायन और इतने ज़्यादा संख्या में लोगों का आना जाना और एक तरह से दूसरी तरह जाने के लिए इतना खर्च करना, ये बहुत ही ज़्यादा दुख था, दुखदाई था, जो कि यहाँ पर आप मंजर देख रहे हैं इन इमेजेस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भुखमरी और कितनी ज़्यादा दरिद्रता से लोगों को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। भारत को आज़ादी मिल गई और भारत जो डिवाइड हुआ, उसको डिवाइड करने वाली लाइन को सर रेडक्लिफ ने खींचा था, इसीलिए इसको रेडक्लिफ बॉर्डर बोला जाता है। रेडक्लिफ बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके खींचा गया था, पाकिस्तान और भारत के बीच में। और यहाँ पर आपका ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बाद में जाकर लेटर बांग्लादेश बनेगा, बांग्लादेश जाकर बनेगा, ठीक है, और इसको आज़ाद कराने वाला भी भारत ही था। बेसिकली यहाँ पर आज़ादी के मतलब ये है कि यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पर मुस्लिम इस गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, वेस्ट पाकिस्तान से खुश नहीं थे, इसीलिए उनको आज़ादी चाहिए थी और भारत ने ये दावा किया कि हम आपको आज़ाद देश बनाएंगे। वेल, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम भारत की कंडीशन देखें तो आपका भारत जब आज़ाद हुआ तो लगभग 560 से 562 65 रियासतों में बटा हुआ था भारत। सभी रियासतों के जो नवाब हुआ करते थे या फिर राजे रजवाड़े हुआ करते थे, वो हमेशा यही मानसिकता रखे बैठे थे कि हमें किसी के अंडर, या फिर उनको डेमोक्रेसी जैसी कोई शब्द की भाषा समझ नहीं आती थी, उनको ये चाहिए था कि सारी चीज़ें जो हैं
हमारे अभी तक हम पर अंग्रेजों ने गुलामी की है, अब ये जो डेमोक्रेसी नाम के एक शब्द है उसके अंडर हमें नहीं रहना है। बहुत सारी रियासतों को भारत में मिला लिया गया और ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। उनको लोह पुरुष बोला जाता है भारत का। बहुत ही अहम भूमिका निभाई जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद उसको एक साम्राज्य एक जुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन तीन रियासतें अब भी यहाँ पर बच जाती हैं। कश्मीर जो कि आप यहाँ पर देखेंगे हमारे नॉर्थ इंडियन पार्ट में, और यहाँ पर आपका एक पार्ट जो कि पाकिस्तान में है वो भी अपने आप को घोषित करता था यहाँ पर स्वतंत्र, और दूसरा पार्ट जो कि भारत में नहीं मिलना चाहता था वो था जूनागढ़, और यहाँ पर हैदराबाद, और इसको भी भारत में मिलाने का काम किया गया बारी बारी से। उससे पहले यहाँ पर आपको पहली वॉर देखने मिलेगी। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ शुरू कर दी कश्मीर में। कश्मीर चाहता था पाकिस्तान, लेकिन आपको याद रखना है इस युद्ध में जब इंडियन सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उनको काफ़ी पीछे तक पहुंचा दिया था अपनी सीमा के, ये जो वॉर थी ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर जब आज़ादी के तुरंत बाद हुई थी, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने इसका डटकर सामना किया और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। इसके बाद हम एक और घटना देखेंगे जो कि आपका असैसिनेशन ऑफ गांधी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर महात्मा गांधी की पिक्चर है और ये है नाथूराम गोडसे, जिन्होंने ये मानकर ये जानकर ये सारी चीज़ों को खंगाल कर कि जो डिवीज़न है भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न है उसका कारण गांधी जी है, इस बुनियाद पर इन्होंने गांधी जी को गोली मार दी थी। तीन गोलियां उनके सीने में मारी गई थी नाथूराम गोडसे जी द्वारा 30 जनवरी 1948 को। ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। भारत में तीन रियासतों के नाम मैंने आपको बताए हैं, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये रियासतें अपने आप को आज़ाद घोषित करना चाहती थी, लेकिन इनको समझाने की काफ़ी कोशिश की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। बहुत समझाने पर भी ये लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में इनको अपने राज्य में भारत में तो मिलाना ही था। अब आपको कैसा लगता अगर भारत का इतना हिस्सा भारत के पास नहीं होता, एक होल जैसा हो जाता भारत के नक्शे में। तो इस स्टेट को मिलाने का काम किया पोलो ऑपरेशन से। पोलो ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? हैदराबाद को भारत में मिलाने से। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ये सैनिक अभियान था, सेना के द्वारा ये अभियान लड़ा नहीं गया, ये जो है हैदराबाद को अपने देश में मिला लिया गया। आगे बात आती है जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ जो है वो जनमत संहिता के कारण जो है भारत में मिला लिया गया। ये जो राज्य था यहाँ पर आपका रियासत थी मुस्लिम की, और लेकिन जो यहाँ पर जनता थी वो हिंदू राज थी। तो जो जनता थी वो चाहती थी भारत में मिलना, इसीलिए ये जनमत संहिता से भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपका जो कश्मीर क्षेत्र था वहाँ पर हिंदू राजा था राजा हरि सिंह, जिनकी जो प्रजा है आप सभी को पता है ये मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो क्षेत्र है ये राजा हरि सिंह चाहते थे कि ये आज़ाद कश्मीर रहे, आज़ाद रहे हमारे, हमें किसी में नहीं मिलना है, ना हमें पाकिस्तान में मिलना है ना हमें भारत में मिलना है। लेकिन बाद में जब आपको पाकिस्तान से यहाँ पर इन्वेजन दिखा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया, तभी यहाँ पर कश्मीर में इन्होंने एक आपका इसको भी भारत का हिस्सा बना दिया गया। बाद में इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भारत को अलग अलग टाइम पीरियड में 1948 में देखने को मिली।
आगे बढ़ते हैं तो 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया, गणतंत्र स्थापित किया गया और हमारा देश रिपब्लिक स्टेट कहलाने लगा। 1962 में चाइना ने भारत पर काफ़ी सैन्य संख्या में भारत की तरफ आक्रमण करने की स्थिति में कदम बढ़ाया और बहुत ही बुरी तरीके से भारत की यहाँ पर हार हुई, क्योंकि भारत इतनी ज़्यादा संख्या में अपने सैन्य लोगों को वहाँ पर मौजूद नहीं कर पाया और वो लोग ऐसे आ रहे थे जैसे कि समुद्र की लहरें जो कि कभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इस टाइम पर जो भारत की स्थिति भी थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आज़ाद भारत हुआ था, अभी भारत एक नया जन्मा बालक की तरह था जो कि वो आगे बढ़ रहा था। और इस ही बीच जो युद्ध होना है वो युद्ध होना एक बहुत ही आर्थिक स्थिति में पीछे हो जाने का कारण है। तो ये जो वॉर थी ये भारत के द्वारा हारी गई और उसके बाद अगले कुछ सालों बाद 1965 में फिर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया। 1965 की वॉर में पाकिस्तान को जब हमला किया गया तो कारगिल की सड़क पर कश्मीर आदि के क्षेत्रों में जो घुसपैठ कराई गई पाकिस्तानियों की, तो इसमें सफलता ना मिलने की वजह से पाक ने अपने जो है सेना को तोपखाने जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अचानक हमले करके सारी अपनी तरफ हमारी तरफ यानी कि भारत की तरफ बढ़ने लगी। तो इस क्षेत्र की जो है रक्षा करने की कार्यवाही जो 7 सितंबर को भारतीय सेना ने लाहौर क्षेत्र से 3 स्थानों पर सीमा पार तथा दिन पश्चात सियालकोट और सिंध क्षेत्र में आगे बढ़ने का आरंभ कर दिया। और ये जो है इसका यहाँ पर 23 सितंबर पर इस युद्ध विराम को किया गया और ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रपति अयूब खान के साथ एक समझौता किया गया और अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाने का निर्णय लिया गया। तो ये जो कार्यवाही थी ये यहाँ पर संपन्न होती है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आपका देखते हैं हम इसके बाद 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का दूसरा वॉर होता है, अगला वॉर होता है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा लोगों की संख्या में यहाँ पर मृत्यु देखने को मिलती है। हमारे भी जवान काफ़ी मारे गए और उनके भी जवान काफ़ी मारे गए, काफ़ी लोग घायल हुए और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। बहुत ही ज़्यादा किसी भी वॉरफेयर में हमेशा नुकसान देश का इकोनॉमी का होता है, बहुत ही पीछे चली जाती है एक युद्ध लड़ने के बाद किसी भी देश की स्थिति। पाकिस्तान और इंडिया का वॉर 1971 में दोबारा हुआ जिसमें राष्ट्रपति यमहा खान ने पाकिस्तान के स्वतंत्र मतदान कराया था और उसमें जो आपका वेस्ट पाकिस्तान है उसमें भुट्टो की पार्टी और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब की पार्टी थी। और यहाँ पर शेख मुजीब की पार्टी जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के लिए जो अधिकार चाहती थी, क्योंकि ये जो लोग थे ये वेस्ट पाकिस्तान के लिए ही ज़्यादातर चीज़ें किया करते थे, जो बचा कुचा होता था वो सारी चीज़ें ईस्ट पाकिस्तान के लिए करते थे। जैसा कि अभी हमने मैप में उसकी सिचुएशन देखी है, ईस्ट पाकिस्तान या फिर आज का आपका बांग्लादेश आप देखते हैं तो वहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। बात आती है आपकी पूर्वी पाकिस्तान में जब पूर्ण अधिकार चाहती थी वहाँ की मुजीब की पार्टी, लेकिन यामा खान ने 4 डिवीज़न की पूर्वी पाकिस्तान में भेजकर जो दमन चक्र चलवाया और वहाँ पर काफ़ी लोगों की लाखों की संख्या में भारत शरणार्थी आने लगे। तो ये जो इन्वेजन भारत की तरफ हुआ इसकी वजह से भारत मजबूर हो गया कि उनको 31 मार्च 1975 को भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के साथ पूरी सहानुभूति दिखाई और पाकिस्तान में जो नरसंहार हो रहा था उसको रोकने को कहा भी।
लेकिन बात क्या होती है कि आपकी यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं थे, और फिर बाद में जो आपके 16 दिसंबर को जो आपके वहाँ पर सैनिक बचे हुए थे, 85,000 पाकिस्तानी सैनिक थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा के सामने अपने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। और यहाँ से ही आपके यहाँ पर युद्धबंदी में भारत लाए गए थे बांग्लादेशी, जो स्वतंत्र हो गए। और यहाँ पे युद्ध के बाद में प्रधानमंत्री भुट्टो ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से शिमला समझौता किया गया। तो शिमला समझौता आपको पता याद रखना है कि किस संबंध में हुआ था। युद्ध बंदियों की वापस भी हो गई, और यहाँ पर जो जनरल SHF हैं, उनको मानेकशॉ है, SHF मानेकशॉ, उनकी विशेष भूमिका यहाँ पर निभाई गई, और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि से विभूषित किया गया, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। तो ये आपको याद रखना है, SHF मानेकशॉ का नाम, जहाँ पर उनको पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है, अगर हम वॉर की ही सीरीज़ में आगे बढ़ें, तो आपको कारगिल वॉर, जो कि आपका 1999 में हुआ था, तो ये वॉर भी आपका पाकिस्तान के साथ हुआ था। इस कारगिल वॉर में आपको पता ही है कि जम्मू और श्रीनगर, लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है, वहाँ से यहाँ पर नियंत्रण रेखा जो 5 किलोमीटर की है, लेकिन सभी सैन्य चोटी पर जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर पहले से ही पाकिस्तानी लोग अपना आक्रमण शुरू करना, घुसपैठ शुरू करना, ये सब पहले से ही वो लोग कर रहे थे। तो आपका यहाँ पर इस लड़ाई की शुरुआत अगर आप देखें तो 8 मई को हुई थी, 8 मई 1999 को हुई थी। और यहाँ पर भारत की विजय होती है कारगिल वॉर में, और 20 जुलाई 1919 को ये वॉर जो है शुरू हो ख़त्म हो जाती है। 8 मई को शुरू हुई थी और 20 जुलाई को ये वॉर ख़त्म हो जाती है, और भारत यहाँ पर विजयी रहता है। इतनी बातें आपकी वॉर्स की है, जो कि मेजर वॉर्स भारत के आज़ादी के बाद भारत ने लड़ी। तो यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें कि क्या-क्या चीज़ें जो आपकी टाइमलाइन से इम्पॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले आपका फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, आपको पता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके लिए तैयार की गई थी। ये सारी चीज़ें आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, आपका अपना पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। 1951 में आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, पंचवर्षीय योजना आई। पंचवर्षीय योजना का मतलब था कि आपको 5 साल के लिए ये योजना बनाई जाती थी कि भारत में क्या क्या बदलाव लाए जाएंगे, क्या क्या योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को किया जाता था, और देखा जाता था कि भारत की जो ग्रोथ है वो कैसी चल रही है। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कराए गए, यहाँ पर कांग्रेस की विजयी हुई, आप सभी को पता है। पंचायती राज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया, तो ये बड़ी बात है। अब जो है, आपके जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में, आपको जवाहरलाल नेहरू जी दिखेंगे, और आपके जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो आपके प्रेसिडेंट बने। उसके ही 2 साल बाद अब हमने देखा कि आपकी पंचशील ट्रीटी की गई, पंचशील ट्रीटी जो कि आपकी 1954 में इंडिया और चाइना के बीच की गई थी। ये ट्रीटी की डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रीटी किस किस के बीच हुई, किस किस देशों के बीच, और कब हुई थी। बेसिकली यहाँ पर 5 चीज़ों पर एग्रीमेंट किया गया, और ये एग्रीमेंट म्यूचुअल एग्रेसेशन, और आपका जो हम लोग अभी किसी भी इंटरनेशनल मामले में एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली यहाँ पर की गई साइन। अगले साल की बात करते हैं, जबकि आपका 1955 की बात, यहाँ पर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को।
आगे बात करते हैं आपका 1958 में आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को पास किया गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए, 1958 में आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को पास किया गया था। 1961 में आपके इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो एनेक्स्ट कर दिए गए थे, जो पोर्टुगीज टेरिटरी है यहाँ पर आपको गोवा, दमन और दीव, ये चीज़ें जो हैं आपके तीनों, यहाँ पर पोर्टुगीज का शासन अभी भी चल रहा था तो उनको आज़ाद कराया गया, गोवा को एक यहाँ पर अपने देश में मिलाने का काम किया गया। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए अभी भी इतनी संभव नहीं थी, जो कि आप देखेंगे कि आज़ादी भारत को 1947 में मिल गई, लेकिन अभी भी पूरा भारत आज़ाद नहीं था। यहाँ पर आपको 1961 में गोवा, दमन और दीव टेरिटरी को आज़ादी दिलाई गई। 1962 को यहाँ पर सीनो इंडियन वॉर जो है यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, सीनो यानी कि आपका इंडिया और चाइना का वॉर यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो चाइना के जो ट्रूप्स थे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे, और यहाँ पर एंड होता है, यहाँ पर चाइना की यहाँ पर विजय होती है और बाकी जो इंडिया है उसकी बुरी तरह हार होती है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना की आर्मी की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और इसके बाद भारत ने अपने सैन्य टुकड़ी में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, बहुत ही गुना में उसको बढ़ाया गया, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ी अलग अलग यहाँ पर सेनाओं की नियुक्ति की गई। 1965 में हमने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर देखा था, तो इस वॉर में आपका भारत की विजय हुई और यहाँ पर चीज़ों को संभालने की कोशिश की गई, और यहाँ पर आपका हिंदी को भी इसी साल 1965 में आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बना दिया गया 1965 में। 1966 में बात करें तो आपका ताशकंद कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हमने देखा कि आपकी जब 1965 की वॉर हुई तो ताशकंद कॉन्फ्रेंस उसी के मद्देनज़र रखते हुए हुई थी, और ये ताशकंद समझौता भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको डेट वाइज याद रखनी है। 1969 में आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया गया, भारत की काफ़ी बैंकों का यहाँ पर, लगभग 14 बैंकों का यहाँ पर नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये चीज़ें भारत में चल रही थी, जो एक तरफ भारत दूसरे देशों से लड़ाई कर रहा था और दूसरी तरफ भारत को और भी चीज़ों में उन्नति करने की ज़रूरत थी। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने की शुरुआत हो चुकी थी और सारी चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट की जा रही थी, लोगों को अर्बन चीज़ों से वाकिफ़ किया जा रहा था। जब आपकी 1965 की वॉर हुई तो उसमें भारत की जीत तो वैसे ही पक्की थी, क्योंकि भारत की सेना भी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, आर्टिलरी भी बहुत ज़्यादा थी, टैंक की संख्या भारत के पास थोड़ी कम थी, लेकिन पाकिस्तान के पास एक चीज़ ज़्यादा होना उसकी जीत को साबित नहीं करता है। यहाँ पर आपका जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है यहाँ पर भारत के पास बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पर भारत के एयरफोर्स ने काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाई थी। अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो पाकिस्तान के पास एक भी नहीं था, और शिप की बात करें तो यहाँ पर 16 शिप भारत के पास और 7 शिप पाकिस्तान के पास थे, तो भारत की जीत तो निश्चित थी। 1984 में एक ऐसा भयावह दृश्य देखने को मिला, जो कि आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। कई सिख समुदाय के लोगों को बिना किसी गलती के उनको मारा जा रहा था, बुरी तरह ये भारत की कंडीशन बन गई थी। जबकि आपका 1984 का समय, अगर आप वहाँ के बारे में सोचते भी हैं तो आप कांप जाते हैं, ऐसी सिचुएशन लोगों के सामने बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। ये सब चीज़ें जो हो रही थी भारत में, ये आज़ाद भारत की बहुत ही पिछड़ी हुई चीज़ों को दर्शाता था, और ये भारत अपने आप भी महसूस कर रहा था कि वो किस स्थिति में है और किस स्थिति में जा रहा है। यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात आती है, और
इसी वर्ष, ये वर्ष जब 1984 का चल रहा था, तभी आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हो जाती है, जहां पर आपका प्रोपेन आइसो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 2 दिसंबर 1984 को हुई, यहां पर एक फैक्ट्री से ये एक गैस लीकेज हुई जो कि आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, गैस का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत ने 1983 को, टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता, क्रिकेट टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। भारत हर तरीके से अपने आप को दुनिया में प्रूफ करना चाह रहा था और ये चाहता था कि भारत अपने एक अलग पहचान बनाए पूरे विश्व में। तो इसकी टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि 1971 से 1999 में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1971 में, तो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ जैसे कि हमने देखा, और इस वॉर को लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद आपका शिमला एग्रीमेंट होता है जो कि इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेंजीर भुट्टो के बीच में हुआ था। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1973 में आपका फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात। और भारत जो है अभी अपने प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, अभी वो बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि आप आज का भारत से उसको कंपेयर कर पाए। तो 1974 में अगली घटना आपको देखने मिलती है कि न्यूक्लियर टेस्ट किया गया पोखरण में। पोखरण जो है आपका राजस्थान का एक पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है आपका पोखरण। यहाँ पर एक फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया भारत के द्वारा, और ये पीसफुल टेस्ट था जो कि भारत के द्वारा कहा गया। इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया 18 मई 1974 को। तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक बड़ा अचीवमेंट है भारत का जो कि उसने विश्व के सामने रखा था। 1975 में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई और लॉन्च किया गया इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भी। इसी ईयर में आर्यभट्ट को भी लॉन्च किया गया था 1975 में, स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी पहली बार भारत में। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी। इस इमरजेंसी का टाइम पीरियड अभी तक का सबसे ज़्यादा था। यहाँ पर आपको इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 तक दिखेगी, और पहली बार भारत में नॉन कांग्रेस भारत की सरकार यहाँ पर तैयार की गई, मोरारजी देसाई यहाँ पर इलेक्ट किए गए। और इसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी। यहाँ पर 1980 की बात करें आप लोग, तो यहाँ पर 20 पॉइंट प्रोग्राम देखने को आपको मिल, 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इस टाइम पर आपका रीऑर्गेनाइजेशन इस प्लांट को किया गया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम में गरीबी हटाओ, जन शक्ति, किसान मित्र जैसी सिचुएशंस को, या फिर आप कहें तो प्रोग्राम को यहाँ पर शामिल किया गया था। सभी के लिए आवास की सुविधा, जन और यहाँ पर चीज़ों को, स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। 1984 में असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी देखा जाता है, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, तो इसी की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा असैसिनेशन देखने को आपको मिलता है। इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड बेअंत सिंह द्वारा गोली मार दी गई 31 अक्टूबर 1984 को। और इसी वर्ष 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी देखने को आपको मिली थी जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपका मिथाइल आइसो
साइनाइड गैस के फैलने से बहुत सारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारी संख्या में लोग घायल हो गए। 1992 को आपका सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि आपको याद रखना है। सेबी है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया 1992 को। अगर आप 1991 की बात करें तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और डिवेल्यूएशन की यहाँ पर बात आती है तो आपका भारत का यहाँ पर 12-14% तक मनी जो है वो डिवेल्यूएशन की तरफ देखने को मिलेगा आपका। 1999 में कारगिल वॉर लड़ा गया, जिसमें कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि कारगिल वॉर में भी भारत ने अच्छा अपना प्रदर्शन किया था। यहाँ पर आपका जो आर्म फोर्सेस है, इंडियन आर्म फोर्सेस की यहाँ पर विजय हुई, और यहाँ पर ऑफिशियल फ्लैग्स को होस्ट किया गया बाघा बॉर्डर पे। बाघा बॉर्डर आप सभी को पता है कि पंजाब और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि आपके नवाब नवाज शरीफ के द्वारा यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई, जो कि बायलेटरल ट्रीटी थी, जिसको लाहौर डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। लाहौर डिक्लेरेशन, जिसमें कि आपका ये ट्रीटी कि हम लोग किसी को भी यहाँ पर इन्वेजन और ये सब चीज़ें नहीं की जाएंगी, लाहौर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं और एंटर करते हैं नई सेंचुरी पे। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, देखो 2000 जमाना आ गया। तो आपका भी यहाँ पर रिवीजन आपको करना है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए बनती हैं। सन 2000 में क्रिएशन किया गया नए स्टेट्स का, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल को। उत्तरांचल जो कि आपका उत्तराखंड के नाम से भी आपको जाना जाता है। 2001 में अर्थक्वेक आया, जिसमें आपका मैसिव कैजुअल्टीज़ को यहाँ पर गुजरात में आपका स्ट्राइक्स देखने को मिली थी। 2002 में गुजरात रेयॉर्ट्स देखने 2002 में आपका गुजरात रेयॉर्ट्स देखने को आपको मिले। बेसिकली यहाँ पर मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर विद्रोह और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको भड़काने का कोशिश किया था। गुजरात रेयॉर्ट्स के नाम पर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा नरसंहार देखने को मिला, और बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता वाली स्थिति फिर से आ गई, जो कि आपका मोदी जी का गुजरात बोला जाता है। सन 2004 में आपका एप्लीकेशन फॉर परमानेंट सीट ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए लॉन्च की गई या दी गई, जहां पर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड स्टेट्स में आपका भारत की एप्लीकेशन परमानेंटली सीट देने के लिए थी। 2004 में ही आपका सुनामी कॉज हुआ, और आपका जो सदर्न और ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वो आपको यहाँ पर पेनिनसुला में देखने को मिलता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान भारत का यहाँ पर हुआ। सुनामी आपकी 2004 आपको याद रखना है। 2005 की बात करें तो यहाँ पर आपका 2005 में इंडिया को इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत यहाँ पर हर एक भारतीय को जानकारी लेने का किसी भी संबंध में अपना अधिकार है, तो यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। 2005 में इसको लागू किया गया। 2006 में यूएस और इंडिया ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया और यूएस ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया कि अब हम कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट जैसा कुछ नहीं करेंगे। 2007 में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई प्रतिभा पाटिल जी, जिनका नाम अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो प्रतिभा पाटिल जी को 2007 में पहला महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया गया।
2008 में मून मिशन यानी कि चंद्रयान 1 को भेजा गया, 2008 में भेजा गया और 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया। ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए ईयर के साथ इम्पॉर्टेंट है। 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक हिस्टोरिक डील साइन की जो कि आपका आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो कि आपका टेरिटरी को लेकर या फिर एनक्लेव को लेकर आपका डील था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट लेबोरेटरी एस्ट्रोसेट को भी यहाँ पर सेट किया गया, फर्स्ट स्पेस लेबोरेटरी एस्ट्रोसेट को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। 2016 में आपको इंडिया फ्रांस ने से यहाँ पर 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदा गया, जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है। इंडिया एक मेंबर बन गया MCTR का। अब MCTR क्या है उसके बारे में जानते तो यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम जो है यहाँ पर MCTR की फुल फॉर्म बनती है, तो इसको याद रखना है। ये यहाँ पर MTCR है, MCTR नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। आगे बात आती है 2017 की, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि GST से यहाँ पर फेमस है। GST टैक्स जो कि आपके सभी टैक्सों का सिंगल टैक्स बनाया गया और स्लैब्स में डिवाइड किया गया टैक्स को। 2018 में हेवी रेनफॉल हुआ और जहाँ पर फ्लड की वजह से केरला में बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा जो फ्लड की वजह से एरिया हिट किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है 2018 में हुआ था। 2019 की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 370 और 35A को यहाँ पर हटा दिया गया है और यह भारत का जो हिस्सा है वो अब कश्मीर और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसको भारत में मिला दिया गया है और भारत के जम्मू कश्मीर एरिया को यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि कश्मीर और लेह में डिवाइड होता है। तो ये चीज़ें सारी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में। आप सभी लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर अच्छे से कीजिए और अपने आप को एक अच्छा करियर देने में अपनी मदद कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इतना शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को कि वो लोग इस वीडियो को देखें और भारतीय होने पर गर्व भी करें। भारतीय होना आपके लिए और अपने मन में राष्ट्रीय भावना लाना ये बहुत ही अच्छी गौरवशाली बात है और सभी भारतीयों को ये हमारा इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि कैसी कैसी कंडीशंस को झेलते हुए भी भारत हमेशा आगे ही रहा है अपनी कंडीशंस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक बटन कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइडली यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, हम लोग एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपका एक एप्रिसिएशन यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपना काम करने के लिए हिम्मत देता है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एटलीस्ट आपके उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो ग्रुप आपने पढ़ाई करने के लिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी भी वेबसाइट पर बनाया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।